वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अश्विनी सिनेमैटिक टेक। तो गाइस कैसे आप सभी लोग? तो अभी जो ये टॉपिक चल रहा है ना, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है और काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता है कि चार धाम की यात्रा कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर एंड करें। तो मैंने सोचा चलो यार इस पर एक टॉपिक एक कवर करा जाए एक वीडियो, तो क्योंकि मैं लास्ट ईयर जो जाकर आया तो मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ क्या है, कैसा है, कैसे मैं गया, कैसे सब कुछ हुआ। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। चले सबसे पहले अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। फुल लॉन्ग वीडियो होगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है और स्किप मत करना, नहीं समझ नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें होगा सब बताऊंगा मैं आपको। चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। आपको बता दें सबसे पहले चार धाम होते हैं। केदारनाथ होता है सबसे मेन जो है अपना, वो है केदारनाथ। फिर आता है सीधा बद्रीनाथ जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है उत्तराखंड पूरे चार धाम में। फिर आता है यमुनोत्री धाम, ये भी बहुत ज़बरदस्त थोड़ा ऊंचाइयों में है। और फिर आ जाता है अपना गंगोत्री। तो अभी सबसे पहले कौन सा धाम करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वॉल्यूम को कर दो फुल और मोबाइल को कर दो टेढ़ा, साथ ही साथ सीन भी देखते रहो, वीडियो देखते रहो, फोटोज़ भी देखते रहो, वीडियोज़ भी देखते रहो, सब कुछ देखते रहो। तो चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपने को जाना है हरिद्वार। जी हाँ गाइस, माँ गंगा मैया पे पहले यहाँ डुबकी लगाओ और फिर अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करो। हरिद्वार जो है बहुत ही ज़रूरी है। हिंदुओं का मानना है कि जो भी अच्छा काम होता है मतलब यहाँ से ही स्टार्ट करो आप, चार धाम हमेशा यहाँ से ही स्टार्ट करो। ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं हरिद्वार और एक दिन यहाँ रुकते बस आरती आरती करते हैं, नहाते हैं, फिर यहाँ से बस पकड़ के सीधा जाते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी थोड़ा बहुत वो घुमा के सीधा पहुंच जाता है पहले यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में पहुंचते ही गाइस सबसे पहले आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, यहाँ पे हिल स्टेशन है ना ये, तो थोड़ा आपको ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर चलने के बाद आपको थोड़ा ऐसा सीन कुछ नज़र आने वाला है। ये थोड़ा यमुनोत्री धाम का सीन लिए रखा है मैंने, ड्रोन से लिया हुआ है सीन पूरा। कितना मस्त ये सीन है गाइस, देखो एक बार, मतलब पूरा मज़ा आ जाता है। हिल स्टेशन है ना ये, तो यमुनोत्री धाम जो कहते हैं ना सबसे मतलब पहाड़ी इलाका, ये वही है। सब दिन भर आप थक जाओगे, थकने के बाद आपको आना पड़ेगा होटल में। होटल आपको यहाँ से अच्छी और ख़राब से ख़राब भी मिल जाएगी। बजट बता दो होटल का, मैं बजट जो है होटल का वो मैंने इसको पे किए थे 700 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स के लिए 700 रुपीज़। और यहाँ से आपको टैक्सी पकड़नी जो कि उत्तराखंड में लोकल टैक्सी है जो चलती है, ये वो टैक्सियाँ है। टैक्सी पकड़ के आपको सीधा जाना है अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है गंगोत्री टेम्पल। ये आपको गंगोत्री टेम्पल आ गया। ये टैक्सी वाला जो है वो आपसे 400 रुपये तक चार्ज कर सकता है और बस अगर आप जाते हो तो बस आपको 250 रुपये में ले जाती है। तो अगर आप तीन चार जने हो तो टैक्सी में जाओ, अगर सिंगल जने हो या कपल में हो तो आप बस में जाइए। गंगोत्री टेम्पल आने के बाद आपको ये पूरा नज़ारा ड्रोन से एक बार दिखा दूँ। ये गंगोत्री टेम्पल के आसपास का पूरा ऐसा नज़ारा है, ये भी मैंने शूट करा हुआ है तो देख सकते हो आप कितना अच्छा है। मतलब ये गंगोत्री टेम्पल है क्योंकि मैं गया था बहुत मतलब मज़ा आ गया था मेरे को दोस्त वहाँ पे। ये गंगोत्री टेम्पल का इनसाइड का व्यू है थोड़ा, वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं रहते ज़्यादा तो इसलिए बार बार से फ़ोटो ली हमने, पूरा रहता है इस साइड का। और खाने की बिल्कुल टेंशन ना ले गाइस, खाने आपको रास्ते भर ढाबे आते रहेंगे। ये देखो ऐसा देवभूमि उत्तराखंड ढाबा, ये मतलब ऐसे इस टाइप के ढाबे आपको हर दो कदम पे चार कदम पे आपको दिखते रहेंगे और एकदम सस्ता सस्ता सुंदर टिकाऊ। मैं तो वहाँ पे सिर्फ पराठा और दही खाता था बस, और कुछ भी नहीं। अभी भी न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि भी कहाँ वहाँ पे जो केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि जो है पहुँच चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड रश हो चुका है उधर, तो आम पब्लिक के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल हो चुका है अभी आना जाना सब कुछ, क्योंकि होटलें सब फुल है। पाँव रखने की भी जगह नहीं है गाइस, वहाँ पे अभी पाँव रखने की भी जगह नहीं है।
न्यूज में मैंने अभी देखा, वो यही दिखा रहा था, इतनी मतलब भीड़ हो चुके हैं वहाँ, सबको एक साथ ही भागना है, क्योंकि जो बेस्ट टाइम होता है ना वो मई से लेके जून फिर अक्टूबर तक चलता है वैसे तो, ये तो बीच में एक महीना और या थोड़ा सही रहता है, फिर बीच में क्या है ना वो स्नोफॉल बारिश वगैरह होती रहती है तो थोड़े कम जाते हैं। गणगौर टेम्पल होने के बाद अपन आ जाते हैं अब जो कि फेमस है केदारनाथ टेम्पल। ये मंदिर आपने बहुत ही रील्स में फोटोज में सब जगह आपने देखा होगा, ये है पूरा उसका व्यू, एक बार आप व्यू चेक कर लो, मस्त म्यूजिक लगा के। अच्छा अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे शूटिंग भी हुई थी आपको पता है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की यहाँ शूटिंग हुई थी, नाम मूवी का है केदारनाथ। तो जिसने भी ये मूवी देखी है या जो जो मिस कर रहा है सुशांत सर को, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन कौन मिस कर रहा है सुशांत सर को, जब तक अपन सारा अली खान की फ़ोटो निकाल लेते हैं। ये लो, ये आगे सारा अली खान मैडम, इन्होंने शूटिंग यहाँ पे करी थी और इन्होंने भी बहुत फन किया था, इधर दर्शन वगैरह भी कर दिए थे। तो केदारनाथ जो कि है गाइस बहुत ही फेमस है मंदिर, और ये है पूरा इसका व्यू। सर्दियों में तो बर्फ पहाड़ पे पहाड़ गिर जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा मुश्किल रहता है। होटल आपको केदारनाथ में अच्छी से अच्छी भी मिल जाएगी, और आप चाहो तो बजट में, तो बजट में मिल जाएगी। इधर आप लग्जरी में जाओगे तो 3,000 से 4,000 रुपये पड़ते हैं, और नॉर्मल 500-700 रुपये वही चलता है। जो ये भी नॉर्मल होटल जो मैंने वो उसकी फ़ोटो है ली है, ये वाली फ़ोटो, वो तो दूसरी किसी और की थी, ये मेरी खुद की होटल जो मैं रुका था, 700 रुपीज़ पे किए थे। और ये आज अपन लास्ट में बद्रीनाथ टेम्पल, लास्ट जो होता है वो टूर पूरा मतलब स्टार्ट होता है यमुनोत्री से गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ एंड स्टेशन है। इसके आगे आप वापस जाओ जहाँ आपको जाना है, जहाँ से आपकी ट्रेन बस वगैरह है, बद्रीनाथ एंड है। बद्रीनाथ पे थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह तो ज़्यादा रहती है, आपको यहाँ फौजी वाले लोग ज़्यादा देखेंगे, और भीड़ तो आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह हरिद्वार से भीड़ स्टार्ट हो जाती है, पहले पता टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, तो बताना आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, और कौन कौन जा रहा है केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री, कौन कौन जा रहा है चारधाम यात्रा, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आप तो मैं भी जा रहा हूँ, और मैं जाके आ चुका हूँ, जो जाके आ चुके हैं वो बताना कि कौन कौन जाके आ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय 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 बाय। अरे जहाँ कहाँ रहे हो रुको रुको, सबर करो, वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराना मत करो।